मन पसंद राव बढ़िया बढ़िया रचना आप श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आपके समक्ष रामचरितमानस से एक बहुत बढ़िया कथा भरत चरित्र आप लोगों के समक्ष पेश करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुने, बढ़िया रचना, एक एक शब्द आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। समय की है जब प्रभु रामचंद्र जी महाराज को 14 वर्षों का वन हुआ, उनके भाई भरत को इस बात का आभास भी नहीं होता है। जब ननिहाल से लौट कर आते हैं तो उनको यह जानकारी मिलती है, तो अपनी माता से क्या कहने लगे, तो लौटे जब ननिहाल से भाई भरत लाल, बन जाने का भाई का मन में हुआ मला। कहने लगी कि कैसे बेरन हो गई, कैसे बेरन हो गई भाई की ओ माँ, कैसे तूने भेज दिया भाई मेरा वनवास। रो रो कर कहने लगे भाई भरत कुमार, माँ तुम भी पा ना सको कभी अपने लाल का प्यार। तो देखिए आज अपनी माता के कैसे कह कहने लगे भरत लाल, ये लालन की आत्मा रोती माँ, मन के भीतर तलवार चले। क्या बात, तो क्या कहने लगे, हो लालन की आत्मा रोती माँ, मन के भीतर तलवार। ममता को जीवन भर तरसे, ममता को जीवन भर तुमको बिना लाल का प्यार मिले। परम आदरणीय हमारे श्रद्धेय पूजनीय श्री रणवीर सिंह पटेल गलचा वाले, श्री गोविंद पटेल लखनपुर वाले, आपकी ओर से जानिब से 501 रुपए का आशीर्वाद मंडल को मिलता है। मंडली को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आज भरत लाल अपनी माता के कैसे कहने लगे कि मैया तुमने तो गजब ही कर दिया,
आज ही तुमने भाइयों का बंटवारा कर दिया। महाराज से मिलने के लिए आप चल पड़ते हैं और पहुंच जाते हैं, समय का अभाव है, और दूर से देखकर प्रणाम करते हैं प्रभु रामचंद्र जी महाराज को भरतलाल, और चरणों से लिपट जाते हैं प्रभु रामचंद्र जी महाराज के। आज भरतलाल को चरणों से उठाया प्रभु रामचंद्र जी महाराज ने, अपने हृदय से लगा लिया। एक भाई दूसरे भाई के आंसू पूछ रहा है, लेकिन भरतलाल अपनी माँ को दोषी ठहराते हैं और अपने आप को दोषी ठहराते, कहते हैं कि सब कुछ मेरी माँ के कारण हुआ है। क्या कहने लगे? कि लगी जा गले Thank you.
मौत मेरी हाँ बंधु, समय का अभाव, एक छोटी सी बाल लीलाओं से उत्प्रोत भजन भगवान कन्हैया की नटखट लीला। तो बरसाने की राधिका गोकुल को घनश्याम वे दोनों कछु यूं मिले एक भय लेकिन कन्हैया से गुजरिया कहती है कि काना